हे गाइस, आप लोग जो जानते हो हमारा वर्ल्ड में क्या चल रहा है। गाइस वो भी हमारा इंडिया भी आ गया, तो बहुत ही डेंजरस है वो। तो कोरोना वायरस के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारा इंडिया का मेन प्रॉब्लम है ऑक्सीजन प्रॉब्लम। तो गाइस उसके लिए मैं सोचा इसको एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो स्क्रीन में जो फोटो दिख रहा हो, तो इसके लिए ये फोटो में बना, तो ये फोटो में बना मोबाइल के अंदर। तो कैसे बना इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं दिखाऊंगा। तो दोनों हमारा ऐप्स चाहिए इस प्रोग्रामिंग करने के लिए, पिक्चर और लाइट रूम, और जो जो पीएनजी एंड बैकग्राउंड में यूज़ किया सबका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, स्टेप बाय स्टेप बाय देख लो कैसे इस टाइप का एक फोटो बना सकते हो। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं ए टू जेड दिखा दिया, आप प्लीज़ इस वीडियो को ए टू जेड देख लो और इसके सेम एडिटिंग कर लो। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली ये बैकग्राउंड पिक्चर के अंदर ओपन कर लेना। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर एक मॉडल ऐड कर लूँगा। इस मॉडल का जो फोटो है, तो ये फोटो मैं इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया। तो इस मॉडल का बैकग्राउंड में कैसे रेस को सब नहीं जानते, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हाउ टू प्रोफेशनली बैकग्राउंड रेस, आप चाहो तो उस वीडियो देख सकते हो। तो सिंपली कर दूंगा डन। ठीक ठाक सेट करने के बाद डन करने के बाद हमारा जाना देना होगा शेडो। शेडो देने के हमारा जाना होगा टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना होगा। इसका जो ब्राइटनेस है इसको जीरो करना होगा। जीरो करने के बाद हमारा जाना होगा इरेजर के अंदर। ब्रश सेलेक्ट करना होगा और हार्डनेस को थोड़ा सा कमा के, साइज को थोड़ा सा बढ़ा के, जहाँ जहाँ हमारा शेडो होना चाहिए तो हमारा शेडो देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छे काम है। तो शेडो नहीं दे तो आपका फोटो एकदम फेक जैसा लगेगा, आपका फोटो बहुत अच्छे नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा शेडो पार गया उसको मैं इरेज कर दूंगा। तो गाइस सिंपली डन कर दूंगा। इसका ब्राइटनेस बहुत कम ही हो गया, तो कम जितना कम होगा शेडो उतना ही अच्छा होगा। तो उसको ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा दिया, शेडो हल्के हो गया। तो सिंपली शेडो बनाने के बाद हमारा सिलेंडर ऐड करना होगा। तो ऑक्सीजन के लिए फोटो एडिट कर रहा हो तो उसके लिए सिलेंडर तो चाहिए। तो सिलेंडर का ये मैं ला दूंगा। लगाने के बाद जो नॉल पेंज है तो उसको मैं लगा दूंगा सिलेंडर के ऊपर, ताकि इस नॉल से हमारा गैस निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, हमारा मॉडल का मुँह में जा रहा है। ओके, तो नॉल का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं बाद में इरेज कर दूंगा, पहले ये नॉल हमारा लगाना होगा। इस नॉल से हमारा गैस हमारा मॉडल के मुंह में जा रहा है, यहाँ पे लगा दूंगा। नॉल का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसके इरेजर के अंदर जाके इरेज कर दूंगा, हार्डनेस को पुल करके इरेज कर दूंगा, एकदम अच्छी से हो जाए। ये करने के बाद गैस देखो बहुत ही अच्छा लगेगा। सिंपली कर दूंगा डन। डन के बाद गैस हमारा इस मॉडल का मुंह में एक मास्क लगाना होगा। तो मास्क पेन जी मैं अटका लिया, तो इस मास्क पेन जी ठीक ठाक इस मॉडल का मुंह में लगा दूंगा, ताकि ऐसा लगेगा ये ऑक्सीजन ले रहा है। ओके, तो यह मैं लगा दूंगा। जहाँ जहाँ हमारा मार्क्स नहीं होना चाहिए उसको मैं इरेज वहाँ पर इरेज कर दूंगा। तो हमारा चश्मे के ऊपर पड़ गया, उसके लिए इसका हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ मैं इरेज कर दूंगा, चश्मे के ऊपर से ये मार्क्स हटा दूंगा। तो सिंपली हो गया, तो यहाँ पर इरेज कर दूंगा। करने पर सिंपली कर दूंगा डन। डन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है गैस, गैस निकल रहा है, लेकिन गैस नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्मोक ऐड करना होगा। स्मोक का ब्लेंड को कर दूंगा स्किन, करने के बाद यहाँ पे लगा दूंगा। इसको ले जाऊंगा इरेजर के अंदर, इन्वर्ट कर दूंगा, ऊपर चला जाएगा। तो ब्रश कर दूंगा, ब्रश करके यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि ऐसा लगे हमारा नॉल से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो हमारा आसपास जा रहा है। कैसे ग्रीन पेन जी में अटका लिया, ग्रीन लाइट पेन जी पीछे जो कोरोना वायरस पेन जी है उसका लाइट हमारा मॉल के ऊपर आना चाहिए। उसके लिए इसके ऊपर एक लाइट लगा दूंगा, इसका ब्रेन को कर दूंगा स्किन और इसका कैपेसिटी को थोड़ा सा कमा दूंगा। देखो गाइस हमारा मॉल के ऊपर ग्रीन लाइट आ गया। तो और एक को मैं लगा दूंगा, दोनों यूज़ करूंगा, स्किन कर दूंगा ब्रेन को सेम तरीके से और इसके कैपेसिटी को थोड़ा सा कमा दूंगा। कमने वाले गैस देखो हमारे मॉडल के ऊपर कोरोना वायरस का ग्रीन लाइट आ गया। तो सिंपली गैस एक डोर पेन जी में ऐड कर लूँगा, इसको मैं लगा लूँगा, नीचे से कुछ बड़ा कर लूँगा, ऊपर से बड़ा कर लूँगा। करने के बाद ठीक ठाक से मैं सेट कर दूँगा। ये लगाने के बाद एकदम क्रिएटिव जैसा लगेगा, तुम डोर के जैसा लगेगा, डोर के बाहर से फोटो कैप्चर करा हुआ ऐसा लगेगा। तो सिंपली गैस डन कर दूँगा। डन करने के बाद एक टेक्स्ट पेन ऐड कर लूँगा। इस टेक्स्ट में कैसे बना वो सब जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हाउ टू मेक न्यू टेक्स्ट, आप जाके उस वीडियो देख सकते हो। तो बी अवेयर ऑफ कोरोना, ये टेक्स्ट मैं खुद ही बनाया हूँ। तो यहाँ पे लगा दूंगा थोड़ा सा बड़ा के, तो सिंपली कर दूंगा डन। डन के बाद ये फोटो हमारा सेव करना होगा मोबाइल पे। पिक्चर के अंदर कलर काम ऑलरेडी खत्म है, ड्रॉ के अंदर जाके ये फोटो हमारा सेव करना होगा।
सेव करने के बाद ये फोटो हमारा लेना होगा लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम के अंदर बहुत ही खास एडिटिंग होने वाला है, उसके लाइट रूम का ट्यूटोरियल मिस मत करो। लाइट रूम का ट्यूटोरियल ए टू जेड देख लो, मैं स्टेप बाई स्टेप सब कुछ दिखा दिया, तो आप देख लो। तो गाइस इस फोटो हमारा लेना होगा पहले ब्राइटनेस आइकन में, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, कंस्ट्रक्ट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, और इसका जो हाइलाइट्स है उसको थोड़ा सा कमा दूंगा, और इसका जो शेडो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। बढ़ने के बाद हमारा जो व्हाइट है, व्हाइट को हमारा 11 तक बढ़ाना होगा। बढ़ने के बाद हमारा ब्लैक जो है, ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा 32 तक। ये लाइट देने के बाद फोटो के ऊपर कितना अच्छे इफेक्ट पड़ा, बिफोर आफ्टर करके देख लो टैप करके। इस बार हमारा जाना होगा कलर में, कलर में जाने के बाद गैस टेम को 2 तक बढ़ाना होगा, मिक्स पे जाना होगा। गैस रेड सिलेक्ट करा हुआ तो रेड आप चाहो तो यूज़ नहीं कर सकते, रेड का कोई इफेक्ट हमारा फोटो के ऊपर नहीं डल रहा है, उसके लिए रेड को मैं नहीं यूज़ करूँगा। तो सिंपली यूज़ करूँगा गैस येलो, येलो हमारा बैकग्राउंड की कलर है, इसका हमारा ग्रीन ग्रीन चाहिए, उसके लिए इसका ह्यू को एकदम फुल करना होगा। करने के बाद इसका जो लुमिनस है उसको थोड़ा सा कमा दूंगा, ताकि एक्स्ट्रा जो ब्राइटनेस है वो रेड हो जाएगा, एकदम अच्छी बैकग्राउंड हो जाएगा। तो सिंपली हमारा सिलेक्ट करना होगा ग्रीन, तो ग्रीन बहुत ज़्यादा करो तो आपका कलर डिसकलर हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा रख दूंगा। रखने के बाद गैस सिलेक्ट करना होगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज का हमारा मॉडल का स्किन की कलर है, स्किन की कलर थोड़ा थोड़ा येलो येलो चाहिए, उसके लिए इसका ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और इसका जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा -10 के आसपास रख दूंगा, लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि स्किन का ब्राइटनेस बढ़ जाए। तो ये सब कलर हमारे फोटो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते, उसके लिए इसका सिचुएशन को एकदम -100 कर दूंगा। तो करने के बाद सिंपली कर दूंगा डन। डन करने के बाद जैसे हमारा कलर के अंदर काम एकदम खत्म हुआ, बिफोर आफ्टर करके देख लो कलर देने के बाद फोटो के ऊपर कितना अच्छे कलर इफेक्ट पड़ा। तो ये फोटो हमारा HD करना होगा, HD करने के बाद हमें जाना होगा इफेक्ट में, बिगनर को थोड़ा सा कमा दूंगा -34 के आसपास, डेस्क को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 21 के आसपास, क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 13 के आसपास, और जो टेक्सचर है तो उसको थोड़ा सा कमा दूंगा -19 के आसपास, और मिड पॉइंट और फिदर जो ऑप्शन है उसका आपका मार्जिन में रख सकते हो कैसे आपका अच्छा लगता है। ओके तो सिंपली गैस देखो फोटो रेडी, एकदम बहुत ही अच्छा लगे फोटो बन गया, काफ़ी अच्छी कलर इफेक्ट पड़ा इस फोटो के ऊपर। तो कोई प्रीसेट में नहीं यूज़ किया, आपका सामने एडिट किया कैसे किया आप तो दिखाया, तो आप नहीं समझा प्लीज भी देख लो। इस फोटो के ऊपर बहुत सारे नॉइज़ है गैस, नॉइज़ रिमूव करने के लिए हमारा जाना होगा डिटेल्स टूल्स में, ट्रायंगल जो आप आइकन दिख रहे हो वो हमारा डिटेल्स टूल्स है। तो डिटेल्स टूल्स के अंदर जाने के बाद गाइस हमारा जो शार्पनिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ये कहने शार्पनिंग बढ़ाते ही नॉइस सिलेक्शन और कलर नॉइस ऑप्शन आ जाएगा, तो नॉइस सिलेक्शन थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और कलरनेस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ये बढ़ाते ही देखो गाइस हमारा फोटो के ऊपर जो नॉइस था पहले वो डिलीट हो गया, एकदम स्मूथनेस अच्छी क्लियर फोटो बन गया। तो बस मेरा उम्मीद है ये वीडियो आपका काम आएगा, ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल बटन पर क्लिक कर देना, और गाइस प्लीज़ कमेंट करके बता दो अगली वीडियो में कैसे बनाऊंगा।